आज की वीडियो में बात गोदी मीडिया और रियल मीडिया के पिछले 5 डिबेट्स की करेंगे और देखेंगे किसने जनता के मुद्दों पर बात की। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। कहीं चुनाव राजनीति या वसर्च की लड़ाई में ना बिखर जाए किसान आंदोलन। दूसरा, पेगा जासूस के खिलाफ एप्पल का मुकदमा, क्या मोदी सरकार भी लेगी जानकारी। तीसरा, जेवार एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के सरकारी दावों की खुलती पोल। चौथा, किसानों को कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए। और पांचवा, प्रधानमंत्री जी तपस्या आपने नहीं किसानों ने की। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में कई अहम मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने अपनी वीडियो में किसान आंदोलन को लेकर बात की और सरकार पर सवाल भी उठाए। किसानों ने प्रोपेगेंडा के आतंक का भूत उतार दिया है। वे आहत ही नहीं हुए कि हम वतनों के बीच पोस्टर लेकर खड़ा रहना पड़ता है कि किसान आतंकवादी नहीं है, बल्कि उन्होंने मुकाबला किया। वे सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के हमले के भय से आजाद हो गए। गोदी मीडिया ने पहले ही दिन किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही कहना शुरू कर दिया था। किसानों ने बिना किसी हिंसा के गोदी मीडिया को अपने बीच से बाहर कर दिया, पोस्टर टांग दिया कि गोदी मीडिया वापस जाओ, हमें कवर मत करो। जिस मीडिया को हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन मिलता है, उस मीडिया की साख किसानों के बीच 2 कौड़ी की नहीं रह गई। किसान आंदोलन ने अपना ट्विटर हैंडल बनाया, इसके बीच लोगों ने अखबार निकाले, यूट्यूब चैनल बनाया। भारत के इतिहास में यह पहला आंदोलन है जो मीडिया के बगैर मीडिया से लड़ते हुए 1 साल चला है। इसकी जगह किसान आपस में आंदोलन को लेकर बातें करने लगे, एक दूसरे के लिए मीडिया बन गए। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की, जो News24 पर अपनी डिबेट में कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पहला, गरीबी मुक्त कब होगा भारत। दूसरा, आ गया है कोरोना का और खतरनाक अवतार। तीसरा, आंदोलन किसानों की जीत या ढाक के वही 3 पाप। चौथा, 2024 में विपक्ष की धुरी कौन, राहुल गांधी या ममता। और पांचवा, यूपी में गठबंधन की तैयारी, किसका पलड़ा भारी। संदीप ने अपनी डिबेट में कोरोना के मुद्दे पर बात की और कुछ अहम जानकारी भी दी। देखते हैं कि वह क्या कहते नजर आ रहे हैं। आपको ये बताना जरूरी है कि कोरोना का एक और अवतार, एक और वेरिएंट अब मुंह बाए खड़ा है, दस्तक दे दी है। इस कोरोना के वेरिएंट ने, मैं अवतार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ओमिक्रॉन इसका नाम है और यह सबसे पहले अफ्रीका में नोटिस किया गया। खतरनाक बात क्या है कि यह वायरस आपके शरीर में दाखिल हो जाए तो आपने अगर वैक्सीन भी लगा रखा है, उसकी एफिकेसी, उसका असर 40% तक कम हो जाता है। और अभी तो इसके जो 30 स्वरूप हैं, 30 म्यूटेशंस हैं, वो सारी की सारी आइडेंटिफाई भी नहीं हुई हैं। अब बात गोदी मीडिया के पत्रकारों की करते हैं। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार रमेश देवगन की, डिबेट की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, हिंदू बनाम हिंदुत्व क्यों। दूसरा, यूपी का संग्राम, कौन मारेगा मैदान, आरंभ है प्रचंड। तीसरा, बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का दाम। चौथा, पाकिस्तान के दुर्साहस पर मनमोहन सरकार का सरेंडर। और पांचवा, यूपी में शाहीन बाग की धमकी, लोकतंत्र को धमकी तंत्र की चुनौती। अमीश देवगन ने अपने डिबेट में उत्तर प्रदेश चुनाव और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बात की। देखते हैं उनकी एक डिबेट। क्या हिंदुओं से हिंदुत्व वाली पहचान छीनने की कोशिश हो रही है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का मतलब तो ये है कि सिखों और मुसलमानों को पीटो। आखिर कांग्रेस हिंदुत्व का बार बार अपमान क्यों कर रही है, सवाल क्यों खड़ा कर रही है? जिस हिंदुत्व ने दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरे संसार को एक परिवार के तौर पर देखा, उसे बदनाम करने का एजेंडा इस मुल्क में, इस देश में क्यों चलाया जा रहा है? क्या बौद्ध धर्म को बुद्धिज्म से अलग किया जा सकता है? क्या जैन धर्म को जैनिज्म से अलग किया जा सकता है? क्या मुस्लिम धर्म को इस्लाम से अलग किया जा सकता है? तो फिर हिंदुत्व को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अब बात करते हैं न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं उनकी इस हफ्ते की डिबेट के मुद्दे। पहला, संविधान दिवस का विरोध कुछ विपक्षी दलों ने क्यों किया। दूसरा, विकासवाद के जेवर से जीत की गारंटी। तीसरा, कृषि कानून वापसी पर मोहर, आंदोलन क्यों जारी। चौथा, पाकिस्तान का विदेशी मुखौटा बेनकाब। और पांचवा, संयुक्त किसान मोर्चे की 6 मांग क्या। दीपक चौरसिया ने अपनी डिबेट में कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कृषि कानून को लेकर अपनी डिबेट में बात की।
देखते हैं कि क्या वह सरकार से भी सवाल कर रही हैं कि नहीं। आज कैबिनेट ने औपचारिक तौर पर कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह संवैधानिक जरूरत थी जिसे कैबिनेट ने पूरा कर दिया। अब इससे संबंधित बिल संसद सत्र के पहले दिन यानी 29 तारीख को सदन के अंदर पेश किया जाएगा और लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाएगा। लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। किसान कहते हैं पहले सरकार तमाम कदम उठाए। इसके साथ उन्होंने 6 मांगे भी रख दी है। बड़ी बात यह है कि 26 तारीख के दिन और उसके आने वाले दिनों में किसान विदेशों में प्रदर्शन कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा के थ्रू, क्या ये उचित है? पहले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील कर वापस खेत खलियान लौटने की अपील की और अब संसद सत्र शुरू होने से पहले ही कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगा दी गई। आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि दोनों तरफ के मीडिया के मुद्दों में कितना अंतर है। आप क्या सोचते हैं मीडिया के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.